जयपुर नगर निगम के वार्ड 1 और 3 में नाली व नालों की सफाई करने की कवायद शुरू हो गई है। दरअसल डीडी समाचार रविवार को इसी मुद्दे पर खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद नगर निगम प्रशासन की नींद टूटी और अधिकारियों के निर्देश के बाद ठेकेदार ने नालों के उस स्थान की सफाई कार्य शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि हरवाड़ा क्षेत्र के नाली व नालों में कचरा भरा हुआ था। इस कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फिलहाल निगम प्रशासन आम लोगों के दिक्कत और बीमारी से बचाने के लिए सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दिया है, जो जल्द ही पूरा होने का संकेत दे रहा है। पत्रकार रमेश भगत जय बाबा भोले भंडारी सेवा समिति गोपालपुरा जयपुर से अमरनाथ यात्रा की 3 बसें रवाना हुई। इस दौरान श्री बाबा रामदेव जन कल्याण विकास समिति द्वारा सीकर रोड हरमाड़ा में बालाजी कांटे के पास चाय नाश्ता एवं जूस पिलाया गया। आपको बता दें कि सीताराम गोठवाल, राम सिंह गुर्जर, बाबूलाल गुर्जर, शंभू सिंह, संदीप सिंह, विनोद सैनी, बाबूलाल खोवाल, पंकज शर्मा ने मिलकर श्री अमरनाथ यात्रा के संयोजक महेंद्र सैनी, ईश्वर शर्मा, गोपाल गुप्ता, बंसीलाल सैनी का भव्य स्वागत कर मंगलमय यात्रा की दुआओं के साथ बसों को रवाना किया। ग्राम पंचायत चिराना में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बरसात की वजह से परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि गांव के मस्जिद के पास रास्ते में निकास नाले में कचरा जमा होने से बरसाती पानी भर गया है, जिससे रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध है। वहीं गांव के मुख्य बाजार बस स्टैंड के पास के हालात भी और बदतर हो चुके हैं। दरअसल पंचायत के द्वारा बरसात से पूर्व नालियों की सफाई नहीं करवाई गई, जिसके कारण हालात बिगड़ते चले गए और आवागमन लगातार बाधित हो रहा है। वहीं दुकानों के सामने की स्थिति और भी खराब हो चुकी है, लिहाजा व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। फिलहाल ग्रामीणों के द्वारा न्याय आपके द्वार शिविर में प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया जा चुका है, ताकि जल्द निराकरण हो सके। पंचायत को ये नाला बनाए हुए 2 साल हो गई, 2 साल में एक बार भी इसकी सफाई नहीं हुई। ये नाले की सफाई नहीं है, बरसात के टाइम पे आम रास्ता है, पूरा गंदगी होती है, आम आदमियों को जाने के लिए तकलीफ, मस्जिद है यहाँ पे, बीमारी फैलने की तो नमाज पढ़ने वालों को भी इतनी दिक्कत होती है कि भाई वो जाने में इतनी, उनके कपड़े सब खराब हो जाते हैं, चप्पलों से और है, इतनी गंदगी है और पंचायत इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। मध्य प्रदेश नरसिंहपुर स्टेशन थाना पुलिस ने पूर्व जनपद सदस्य इंदर पटेल और उसके बेटे राम सिंह लोधी को ट्रैक्टर ट्राली चोरी के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 20 जून को भूपेन लोधी के घर से ट्रैक्टर ट्राली समेत चोरी हो गया था, जिस पर पतासाजी के दौरान पुलिस को जानकारी लगी कि मुराद के पूर्व जनपद सदस्य के घर एक ट्रैक्टर ट्राली समेत खड़ा है और ट्राली पर रंग चढ़ाया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने छापेमारी कर ट्रैक्टर ट्राली समेत पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ से और भी कई खुलासे हो सकते हैं। एक चोरी का मुकदमा कायम हुआ है थाने में, जिसमें एक ट्राली चोरी हुई राम डांडा भूपेंद्र लोधी के FIR किए, तब वहाँ पर लोगों ने जो है राम जी जो है उसको वहाँ पर देखा गया था, तो उस शक में उसकी तलाश की गई, तो फिर पता चला कि फाइनली चोरी इन्होंने की है और उनसे एक ट्राली बरामद की। सर क्या ये पूर्व जनपद सदस्य रहे हैं? सुनने में तो आए हैं पूर्व में जनपद सदस्य रहे हैं, लेकिन अभी इनका कोई वो नहीं है, लेकिन इनको साथ में रंगे हाथ पकड़ा गया है। बलरामपुर के रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत टिंडो में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय रिजर्व बैंक रायपुर के तत्वावधान से वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अग्रणी जिला प्रबंधक के तिवारी और भारतीय रिजर्व बैंक रायपुर के चिराग तापड़िया ने सभी तरह की बैंकिंग की जानकारी दी। उन्होंने हर तरह से हो रहे ऑनलाइन फ्रॉड से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी और लोगों को जागरूक रहने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने बैंक से संबंधित गोपनीय जानकारी किसी से भी साझा न करें। ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू होते हुए उनकी मांगों पर ध्यान देते हुए गांव में जल्द से जल्द बैंक खोलने का आश्वासन दिया। ये शिविर आयोजित किया था कि जिसमें हमारे साथ में भारतीय रिजर्व बैंक रायपुर से श्री चिराग तापड़िया जी भी आए हुए हैं, और हमारा उद्देश्य ये था कि यहाँ पर अभी एक तो बैंक नहीं है, तो यहाँ पर एक बैंक शाखा बहुत शीघ्र ही खोलने हेतु हम लोग प्रयासरत हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी खुल जाएगी। कुछ लोगों को BC से कोई तकलीफें थी, उसके संबंध में भी हमने यहाँ पर चर्चा की। बैंकों में खाते खोलना, राशि जमा करना, ऋण लेने में जो लोगों को दिक्कतें आती हैं उनसे संबंधित बातों को भी हमने सुना के और उनको समझाया कि कैसे कार्य योजना तैयार करनी है। मध्य प्रदेश से शराब लाकर स्थानीय ढाबे में बेचने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास 122 लीटर शराब बरामद की है। आपको बता दें कि मामले में शामिल दोनों आरोपी मरवाही के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल मुखबिर से सूचना मिलने पर क्षेत्र के कक्का ढाबे पर दबिश दी गई और शराब सहित दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।